हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स एग्ज़ाम डॉट कॉम में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको मद्रास हाई कोर्ट जूनियर विलीफ रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में बताने जा रही हूँ। यहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। यहाँ पर ओवरव्यू दिए हुए हैं। ऑर्गेनाइजेशन नेम है मद्रास हाई कोर्ट, पोस्ट नेम है जूनियर विलीफ और प्रोसेस सर्विसर सीनियर विलीफ। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ दी गई है 342, यानी कि 342। स्टार्टिंग डेट है फॉर्म अप्लाई की 28 अप्रैल 2024 से, लास्ट डेट है इसकी 27 मई 2024। मोड ऑफ एप्लीकेशन होगा ऑनलाइन, जॉब लोकेशन तमिलनाडु। सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू ऑफिकल वेबसाइट रहेगा msc.tn.gov.in की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। यहाँ पर पोस्ट नेम दिया हुआ है, नंबर ऑफ वैकेंसी दी हुई है। जूनियर बिलीफ के लिए यहाँ पर 242 पोस्ट हैं, सीनियर बिलीफ के लिए 100 पोस्ट है। टोटल यहाँ पर 342 पोस्ट दी गई हैं। क्वालिफिकेशन रहेगा 8, 10 और 12 आपका क्लियर होना चाहिए। क्लास बोर्ड से रिक्वायरिंग वही कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट रहेगी 18 से, यानी कि 18 से मैक्सिमम 32 ईयर्स। एप्लीकेशन फीस या कैटेगरीज वाइज दी गई है। बैकवर्ड के लिए यहाँ पर क्लास के लिए और बीसी मॉलिसिस के लिए यहाँ पर 500 रहेगी। SC ST जो कैंडिडेट तमिलनाडु के हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है। यहाँ पर डिसेबल्ड भी दिया गया है, पर्सन एंड डिस्ट्रीब्यूट विडोज के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं है। सैलरी आपकी रहेगी 19,500 से 71,900। जूनियर बिलीफ के लिए 19,000 से 69,900 पर मंथ। सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू। फॉर्म अप्लाई की इन्फॉर्मेशन दी गई, इसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप हमारे साइट टॉपर्स एग्ज़ाम डॉट कॉम पर आकर कर सकते हैं। यहाँ पर जिसने फ्री मॉक टेस्ट, क्वेश्चन पेपर, MCQ, लेटेस्ट एग्ज़ाम सिलेबस एंड पैटर्न दिया हुआ है अवेलेबल, हर पे क्लिक करके हेल्प ले सकते हैं। अभी तक आपने हमारे पोर्टल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। इससे आपको लेटेस्ट एग्जाम से वीडियोस की न्यू नोटिफिकेशन जानकारी इजीली मिलती चली जाएगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट एग्जाम के साथ आपको फिर मिलूंगी। मुझे सुनने के लिए थैंक्स गाइस।